मैं अभी आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान जब चेस करता है बड़े टारगेट्स को तो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक 350 से ज्यादा का जो स्कोर है वो कभी चेज नहीं किया, और पाकिस्तान का जो चेज का रिकॉर्ड है वो 349 रन का है। आज 357 रन बनाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा चेज किया था पाकिस्तान ने 349 का, लेकिन आज तक पाकिस्तान इस मैच से पहले कभी भी 350 रन चेज नहीं कर पाया है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया का ये जो स्कोर है 356 रन का, इसको अगर आज चेज करता है तो वो पाकिस्तान के ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, सबसे बड़ा चेज होगा। आई थिंक इसके अंदर एक ये भी है कि शायद जो मैक्सिमम चेज जो हो पाया है प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में वो 292 रन का है। तो एक वो भी है। लेकिन इसके अलावा मैं एक अपडेट और देना चाहता हूं उन दर्शकों को, उन पाकिस्तानी फैंस को जो ये सोच रहे हैं कि बारिश आ जाए और गेम थोड़ा छोटा हो जाए। तो अगर बारिश नहीं होती तो हम सबको पता है कि 50 ओवर में पाकिस्तान को 357 रन बनाने हैं, लेकिन अगर बारिश की वजह से यह मैच छोटा होता है और 20 ओवर का होता है तो पाकिस्तान की टीम को 187 रन बनाने होंगे यह मैच जीतने के लिए। तो आकाश भाई 20 ओवर में 187, 50 ओवर में 357, ये डकवर्थ लुइस और स्टेन को किस तरीके से मारना है? मैं तो बिल्कुल हैरान हूं। कल 181 बोले थे हमने जी, तो वो तो 24 ओवर का मैच था, हमारे कुल 147 रन थे तब। अब हमने अगले 26 ओवर में 200 से ऊपर रन बना दिए हैं और फिर भी आपने सिर्फ कितने 8 रन ऐड किए, 6 रन ऐड किए। सर ये राज भी उन्हीं के साथ, ये भी कमाल ही कर दिया वैसे। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है भैया, देखो मेरी समझ के बिल्कुल परे है। पढ़ाई लिखाई में ना वैसे भी देखिए बहुत आधे से ज्यादा, तो मतलब क्रिकेटर भी हम इसलिए बनते हैं क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। तो माँ बाप कहते हैं चल खेल रहा है वहां, कुछ नाम कर ले यार। पर मैंने एमबीए कर रखी है, उन्होंने की है, मतलब वो करते हैं हमारे द्रविड़ भाई, अपना रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, मतलब मैं तो जहां से आता हूँ, जहां से शोएब आते हैं, लग्जरी जो हमारी वाली बेल्ट है ना, इसमें पढ़ाई के ऊपर फोकस थोड़ा कम रहता है, मैच समझ आती यार। तो अब उसमें ऐसे ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ पूरा मैच हो यार। शोएब भाई आपका फोकस कैसा था पढ़ाई पर? अरे मैं एक अच्छा लर्नर था यार, आकाश जानता है, आई एम वेरी क्विक लर्नर। मैं जो कमेंट्री नहीं आती मुझे आकाश ने सिखाई, बोलना सिखाया, बहुत सारे स्टार स्पोर्ट्स मेरी हेल्प की बहुत। तो मुझे नहीं पता था यार, आई वाज गुड लर्नर, अच्छा था स्कूल में, लर्न बड़े तेज करता था, बॉलिंग को की वसीम भाई, वकार भाई को देख के पूछ के बॉलिंग सीख ली, देख के सीख ली। सो यू नो आई वाज वेरी गुड इन स्टडी। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मैं खेल रहा था तो मेरे दोस्त ने देखा बॉलिंग करते हुए, फर्स्ट ईयर में मारा तो असगर माल कॉलेज में। सो तो उसने कहा यार पाकिस्तान खेलेगा, मैंने कहा पाकिस्तान वो क्या होता है यार, कहते पाकिस्तान एक टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, बोर्ड का टूर्नामेंट हो रहा है तो वहां पे यार तेरा नाम बन जाएगा, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है 19 की तो खेलेगा तो तेरा नाम बन जाएगा। मैं कहा ट्रायल दे देता हूँ, लड़कियां उनकी काफी खड़ी हुई थी तो मैंने उनको कहा यार खुश हो जाएंगे, तो 3-4 बाउंसर पेस की लड़कियां भी खुश हो गई, यार ये तो बड़े काम की चीज है। तो मैंने क्राउड को, लड़कियों को खुश किया, क्राउड को खुश किया, तो वो बहुत खुश हुए, तो अगले दिन मेरा ट्रायल आ गया और फिर वो आखिरी दिन था मेरा कॉलेज में। तो बिल्कुल सबकी अलग अलग कहानियां हैं आकाश भाई क्रिकेटर बनने की। मतलब अगर जब हम जाते हैं कोच साहब जितने होते हैं बड़े सख्त होते हैं, वहां पे अगर कभी कोई गलती करते हैं कि बैटिंग में या फील्डिंग में किसी भी चीज में, तो वो कोई ऐसी मतलब खास ऐसी पनिशमेंट दी थी जो बड़ी ऐसी याद रह गई हो? हमारे यहाँ पे तो एन शर्मा सर होते दिल्ली में, तो वो मतलब कितने ही चक्कर कटा देते थे, भागते रहो जब तक बोल नहीं। आपको लगा कि क्रिकेट खेलेंगे? उनको भगाया था, भागे नहीं, नहीं मैं भाग गया, भाग ही गए। ऐसे बड़े किस्से हैं एक्चुअली कि भगाने वाले बड़े किस्से हैं। उसमें बिशन पाजी के सामने साथ हम खेलते थे, तो वो दिल्ली के कोच बने थे भाई, बहुत भगाया उन्होंने, कह रहे उनके दो तीन कुत्ते भी भागे बेचारे डर के कि भैया सर कम भगाया करो यार। तो उन्होंने लगा कि वो भागे हैं उनकी जगह, हम भागे उसके बाद। पर मेरे कोच साहब ने मतलब निकाल दिया 2-3 बार कि ये तुम अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हो, हवा में मार रहे हो, कि उस समय ना टेस्ट पे फोकस था। तो अगर आपने शॉटे मारी हवा में तो एक बार उन्होंने बोल दिया अलोंग द ग्राउंड खेलो, दूसरी बार आपने मार दिया कहते चल बाहर निकल, खत्म तेरी बैटिंग, घर जाओ, दूसरे क्लब में जाके खेलो, ये एकेडमी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो था भाई, कोच साहब अगर नहीं डांटेंगे पहले तो हल्के चपत भी लगा देते थे। तो वो वाले काम तो देखिए जरूरी है, वरना कहां सीखने वाले थे हम। लेकिन आजकल कोई किसी को नहीं डांटता, आजकल सब प्यार से बात करते हैं। अब फर्क आ गया। आप कोई ऐसा कोई मोमेंट है? नहीं, मैं तो शोएब भाई से ये भी पूछना चाहता हूं, शोएब भाई आप भी पिंडी से हो, हारिस राउफ भी पिंडी से हैं, तो वहां पर जो 150 से नीचे जो फेंकता है उसको भगा देते हैं क्या? ऐसा ही ऐसे ही हमारे यहाँ ये एटीट्यूड है इस बेल्ट में, पिशावर पंजाब की बेल्ट में एटीट्यूड है, एक्चुअली वे ऑफ लिविंग है कि यार हमने हर चीज ना आउट ऑफ द वे करनी, आउट ऑफ द बॉक्स करनी, कोई चीज नॉर्मल नहीं करनी हमने।
तो अगर हमने कोई चीज नॉर्मल कर ली तो हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐसे दिखेंगे. तो ये हमारा एक है, इस बेल्ट का प्रॉब्लम है. तो आइदर हम कुछ भी नहीं है या तो फिर बहुत कुछ है. हमारे पास अगर कुछ भी ना हो तो हमारे पास एटीट्यूड जरूर होगा. ये भी पैसे ढेला ना हो, एटीट्यूड जरूर होगा. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. बट अगेन यार, मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान टीम के साथ खड़ा हूँ. मार खा ली है. मैं बड़ा इजी टू क्रिटिसाइज देम, वीडियो भी बना सकता हूँ, बहुत सारे व्यूज भी आ सकते हैं. लेकिन यार, बट यू नो दिस इज अ टाइम व्हेन द नीड्स यू. इट्स ओके. आपकी बहुत पिटाई हुई, बहुत बुरा तरह से मारा गया. लेकिन यार समटाइम अच्छा होता है, रियलिटी चेक भी तो चाहिए होता ना यार समटाइम आपको. और बाकी है कि पिंडी के लड़के हैं, शादा भी पिंडी का है बाय द वे, तो वो भी देखे ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार खाई उसने. मार नहीं खाता उन्होंने, 150 की स्पीड से मार खाई है. हाँ, 150 जरूरी है पिंडी के लोगों को. Z News.